तो बहुत खुश स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। पिछले वाली वीडियो में तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी एडवांसमेंट की थी एंड हमने फ्लोट विद गोल्ड भी कर लिया था। एंड अगर तुम लोगों ने इस वाली वीडियो में नोटिस किया हो तो तुम लोगों को पता चला होगा कि भाई मुझे ट्रेवल करने में सच में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। सच में ट्राइड से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा वर्ल्ड सच में बहुत बड़ा है माइनक्राफ्ट का। एंड अगर अपने को नई एडवांसमेंट करनी है तो वो और ज्यादा हार्ड होती जा रही है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ता है। एंड सच में पैदल और ट्राइड के साथ ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड हर जगह हमारा घोड़ा नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एंड सिटी में एंड लेके आने वाले हैं इलाइट्रा, ताकि जो हमारी एडवांसमेंट करने की स्पीड है वो बढ़ सके एंड साथ ही साथ हम लोग दूर दूर वाले एडवांसमेंट भी कर पाए। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं एंड उससे पहले हम लोग ढूंढेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड, वहाँ पे जाके हम डिफीट करेंगे एंडर ड्रैगन को, देन हम लोग जाएंगे एंड सिटी में एंड देन वहां से लेके आएंगे इलाइट्रा। आज के लिए हमें ये करना है एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपग्रेड करे अपने वर्ल्ड के अंदर। तो फटाफट से यहाँ पे उठाते हैं आर्मर अप। तो जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं एंडर पर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाली है उनकी। तो यहाँ पे 16 एंडर पर से काम हमारा हो जाएगा एंड साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ब्लेज रॉड्स चाहिए होंगी, तो वो शायद मुझे मिल जाएंगी यहाँ पर कहीं। ओके नहीं, मेरी ब्लेज रॉड्स नीचे रखी हुई हैं। एंड तुम लोग ये चीज देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारी ग्राइंडिंग की थी तो मैं यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स एंड एंशिएंट डेब्रिस लेके आया हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहे हैं और एंड सिटी जा रहे हैं तो वहां पे हमें कम से कम 2 ट्रिम मिलने के चांसेस हैं एंड उन 2 ट्रिम को हमें वापस आके एक्टिवेट भी करना है, प्लेस भी करना है हमारे कलेक्शन के अंदर। चलो भाई यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं, फटाफट चलते हैं अपने ब्रूइंग एरिया के अंदर। वो टप पे खाखा के गया हूँ मैं एकदम। यहाँ पे अपने को ब्लेज रॉड मिल जाएगी होपफुली, अगर नहीं मिलती तो फिर मुझे नया जाना पड़ेगा। ब्लेज रॉड मैंने रखी थी, मुझे यहाँ तक याद है ब्लेज। ओके लेट्स गो, बहुत सारी ब्लेज रॉड रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ से हम बनाते हैं एंडर पल को आई ऑफ एंडर, कुछ ऐसे करके बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लगने वाली है हमारे एंड पोर्टल के फ्रेम में एंड जो 4 होंगी 3 से काम हो जाएगा एंड जो 3 है इन 3 के साथ हम लोग जाएंगे ढूंढने स्ट्रॉन्ग होल्ड को। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स भी रख लिए क्योंकि मुझे पता है जरूरत पड़ने वाली है इन ब्लॉक्स की, क्योंकि हमें एंड सिटी ढूंढनी है और वो बहुत ज्यादा दूर मिलती है। एंड पोशंस की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग तो हम हैं कि आराम से एंडर ड्रैगन को मार देंगे अंटिल अनलेस वो हमें उछाल के वर्ड में ना फेंक दे। अगर उसने हमें वर्ड में फेंक दिया तो गए, फिर नहीं बचने वाले, ऐसा होगा नहीं, इससे होने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर हैं। तो चलो भाई तुम्हें फटाफट से दिखाता हूँ अपने वर्ल्ड की थोड़ी सी अपग्रेड्स। तो सामने देखो, सामने की तरफ मैंने यहाँ पे एक बनाया है प्यारा सा अस्तबल हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्सेस के लिए। मैं अपने एनिमल्स को उस बंद जगह पर रखता था बिल्कुल पिंजरे टाइप में, तो भाई वो बहुत ज्यादा बेकार लगती थी, उनको घुटन भी होती थी उसमें, मुझे बोल रहे थे वो। हाँ, मुझे सपने में आके उन्होंने बताया है ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने प्यारा सा बना दिया अस्तबल जहाँ पे हमारे सारे के सारे हॉर्सेस हैं। ये कौन है? ओके, हमारे यहाँ पे बादल है एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ब्लैक हॉर्स है एंड यहाँ पे हमारा जादू भी यहीं खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सारे हॉर्सेस एकदम सेफली रखे हुए हैं। अमीरी वाली फील आ रही है, मतलब मंडे को ये वाला हॉर्स लेके जाऊंगा, सैटरडे को ये, फ्राइडे को वो, ये सब कुछ ऐसे वीकेंड पर लेके जाऊंगा मैं हॉर्सेस को। एंड हमारे जानवर निवास में सिर्फ हॉर्सेस ही नहीं थे, बाकी एनिमल्स भी थे, तो उनके लिए मैंने बनाया एक प्यारा सा एकदम परमानेंट उनके फिक्स जगह रहने के लिए यहाँ पर एक, हाँ ये मैंने पूरा का पूरा एक एनिमल हाउस बना रखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जानवर रहते हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे जानवर हैं। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन यहाँ पे मिलेगा तुम्हें। एंड तुम लोग ये देख रहे होगे, ये वाला एरिया मैंने बहुत ज्यादा डेकोरेटेड कर दिया है, बहुत मस्त कर दिया है। एंड यहाँ पर जो मैंने रिवर बनाई थी ना, उसके ऊपर से ये मैंने ब्रिज भी दे दिया है, तो यहाँ पर लुक बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और हमारा कासल हमसे थोड़ा और पास आ गया है, पहले कितना दूर लगता था हमारा कासल, कि भाई हमारे घर से कितना दूर है कासल, पर अब हमें कितना ज्यादा पास लगता है। चलो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे डॉगीज एंड कैंप्स हैं। ओके, ये सारे के सारे लोग मुझे घूर रहे हैं, पर सॉरी मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया हूँ क्योंकि खाना मैंने इनका यहीं पर रख रखा है। तो ये वाला घर मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे इनके लिए मैंने खाना भी ला के रखा हुआ है, तो जैसे कि कैरेट वगैरह दे रखा है। कैट्स के लिए थोड़े से मैंने स्पेशीज बना के रखी हैं और डॉग इसी थोड़ा मटन है तो इनको खिला देते हैं ताकि भाई इन लोगों का पेट भर जाए मस्त करके। हेवी को बच्चों में आ गया, ये लो खाओ, मस्त पेट भर के खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, ये लो, तू खाएगा मच्छी? चल, तू मच्छी नहीं खाता। ओके, और कोई रह गया क्या बता दो, बहुत सारा खाना है मेरे पास, ये ले भाई तू भी खा, और किसी को खाना है बता दो, ले तू भी खा, ये ले खाओ, तुम लोग बच्चा पैदा करो, मैं तो कह रहा हूँ बच्चा करने के बाद उसे भी खिलाऊंगा मेरे को, ये ले बच्चे तू भी खा, ये ले कहाँ जा रहा है, ये ले खा 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 के मोटा हो जा। यहाँ पे मटन भी खा देते हैं मेरे डॉगी को। तो भाई जिन जिन ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, तुम लोग लाइक करोगे तो मैं इसको फिर से खिलाऊंगा। यहाँ पे मैंने खिला दिया है एंड यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब, हाँ तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, हेवी गो सब्सक्राइब भी कर देना, यहाँ पे शेयर कर देना वीडियो को जिन जिनको अच्छी लगी हो, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कमेंट, हाँ कमेंट को भी हमें खाना खिलाना पड़ेगा, तुम लोग करते नहीं हो पर मुझे खिलाना पड़ेगा वरना वो भूखा मर जाएगा। लाइक और कमेंट का बच्चा पैदा होता है उसे हम बोलते हैं हेलो 500, जल्दी 500 करा दो सब लोग, जल्दी 500 सब्सक्राइब करा दो, सॉरी चलो बराबर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हमारी डॉग्स एंड कैट्स का एरिया है एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बिल्ड किया अपने लामास के लिए, मैंने पूरा का पूरा लामा का कलेक्शन बना रखा है, पता नहीं क्यों बस बना रखा है। तो यहाँ पे हमारा एक लामा है, यहाँ पे हमारे 2 लामा रखे हुए हैं
और सारे डिफरेंट डिफरेंट लामा है जिनको मैं चुरा के लाया हूँ ट्रेडर से। यहाँ पे हमारे लामा मस्त तरीके से रह रहे हैं, इनके लिए एकदम मस्त व्यवस्था कर रखी है मैंने रहने की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वरना बांध के रखना पड़ता था इनको। तो यहाँ पे हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं। यहाँ पे हमारी शीप्स हैं, यहाँ पे हमारी काउज एंड शीप्स हैं, थोड़े पिग्स वगैरह हैं। इनके लिए थोड़ा सा मैंने पानी रख दिया है पीने के लिए, अगर ये पी ले तो, पर पीते नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़े से पांडा लेके आ गया था जंगल बायोम से, साथ साथ थोड़े बहुत बॉम्बू भी ले आया था। और यहाँ पे हमारे पिग्गी घूम रहे हैं मस्त करके, तो इनके लिए मैं खाना तो नहीं लाया। गोल्डन कैरेट खा ले तो क्या तुम लोग, खाओ गोल्डन कैरेट खा लो, मजा आएगा तुम्हें। नहीं, ये सिंपल कैरेट खाते हैं, गोल्डन नहीं खाते। और ये देखो हमारा पांडा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इनके लिए थोड़े से खाना लेके आता हूँ, जैसे कि इसे तोड़ देते हैं। यहाँ पे ये तोड़ दूंगा, उसके बाद यहाँ पे इनको मैं थमा देता हूँ। ये लो खाओ, मस्त करके खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। ये लो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, इन लोगों ने सब खा लिया। छोटे बच्चे के लिए रह गया, उसके भी दे देता हूँ एक में। छोटू भाई ये लो तुम्हारे लिए खाना, खा लिया भाई उसने, पेट भर गया उसका। यहाँ पे मैं एक पोलर बियर लेके आ गया था बोट में बिठा करके, तो यहाँ पे मस्त करके ये भी रखा हुआ अपने कलेक्शन में। चलो भाई ऐसे फटाफट निकलते हैं, और उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी रात हो गई तो मुझे सोना पड़ेगा, कल सुबह निकलते हैं पक्का। एंड यहाँ पे सच में बहुत ठंड पड़ रही है, तो पूरे एरिया में स्नो स्नो रखा है। फटाफट जाना है अपने को एंड में जाके, फटाफट से मार के आना ड्रैगन को, और हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है, यहाँ पे फटाफट से निकलते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे हमारी पर्ल हमें लेके जा रही है। यहाँ पे मारते हैं एक पर्ल, कहाँ गई, टूट गई क्या, हेलो, पर कहाँ गई मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा वो यहाँ गई है इस रास्ते पर, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास पल्स बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे हाँ हमें यहीं जाना है, और सामने की तरफ काफी खतरनाक एरिया है, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलेगा एक ओशन मॉन्यूमेंट, जिससे मुझे दूर से जाना पड़ेगा, वरना मुझे वो दे देगा इफेक्ट। पानी ही भूल गया यार, फिर से भूल, क्या कर रहा हूं मैं, ये स्कैम पे स्कैम होता जा रहा है भाई, पानी नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। ओके पानी यहाँ घुस गया भाई, मैं एमएलजी में बहुत गंदा हूँ, तो इसने थोड़ा सा रास्ता चेंज किया है, अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा। बहुत देर से चल रहा हूँ मैं, पहुंच ही नहीं पाया अभी तक, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, कब आएगा भाई, बहुत टाइम लग गया इसे। पानी कहाँ गया, हेलो, ये माइनक्राफ्ट का अपग्रेड ना, ये बहुत गलत अपग्रेड है भाई, ट्राइडेंट यूजर के लिए बहुत बेकार अपग्रेड है ये, इसीलिए ना इलाइटर बहुत सही चीज है। गया मैं अब यहाँ पे, अब तो चाहिए इलाइटर भाई, मेरा हो गया। तो जो लोग अभी नए, जिनको नहीं पता है इलाइटर क्या होता है, वो एक्चुअली विंग्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ ऑब्वियसली उड़ने में मदद करते हैं, उससे हमारी ट्रेवलिंग बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ पे एक और बायोम पार हो चुकी है, होपफुली अब मिल जाए। और भाई यहाँ पे व्यू देखो, क्या ही मस्त प्यारा व्यू आ रहा है। चलो डुबकी मारते हैं फटाफट से, हियर वी गो, बूम, मुझे लग रहा है हाँ अब वो नीचे ही है बिल्कुल हमारे, क्योंकि पल हमारी ऊपर नहीं आई है, पल हमारी नीचे गई है। लेट्स गो, अपने को मिल चुका, फटाफट खोलना चेक करते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, मिल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा। डीप स्लेट आ गया यहाँ पर, हम लोग आने वाले हैं, कितना डीप होता है। ओके लेट्स गो, यहाँ पे हमें एडवांसमेंट मिल चुकी है आइस पाई, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और सीधे हम लोग लाइब्रेरी के अंदर कूदे हैं, क्या बात है। यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे चेस्ट ढूंढने पड़ेंगे ताकि हमें ट्रिम मिल सके। यहाँ पे मिलेगा क्या, ये रहा एक चेस्ट, प्लीज ट्रिम। ओके लेट्स गो, अपने को यहाँ पे बहुत इजीली ट्रिम मिल चुका है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक चेस्ट होता है, मुझे देखना पड़ेगा, ले सारे जाले उठाओ, मेरा चेस्ट। ओके लेट्स गो, यहाँ पे हमें एक और ट्रिम मिल चुका है, तो हमारे डायमंड कम वेस्ट होंगे, टॉर्च लगाते जाते हैं कहीं भूल ना जाए। ओके सामने की तरफ हमें मिल चुका है हमारा एंड पोर्टल फ्रेम, ओ सिल्वर फिश, डैम यू, यहाँ पे फटाफट से लगाते हैं आई फाइंडर, ये भी गो, लेट्स गो। तो यहाँ पर जाने से पहले मुझे एक काम करना है, मुझे थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर और करना है। यहाँ पे एक और लाइब्रेरी होती है, मुझे एक और लाइब्रेरी ढूंढनी है, और वहाँ पे थोड़े बहुत ट्रिम और लेके आने हैं। अगर हमें थोड़े बहुत टेम्पलेट्स और मिल जाते हैं ना, तो हमारे डायमंड्स बच जाएंगे। ये रही एक लाइब्रेरी, शायद यहाँ पे एक और ट्रिम हो सकता है। ओके एक और ट्रिम और मिल जाए ना, बस अपना काम हो जाएगा मस्त करके। बस नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तीन हो चुके हैं हमारे पास, चार से पूरा आर्मर बनता है, एक हम डुप्लीकेट कर लेंगे, पर नहीं क्यों कर लेंगे, यहाँ पे एक और ट्रिम है, बढ़िया। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा हो चुका है, चारों के चारों ट्रिम हमें मिल चुके हैं। ये भी गो ड्रैगन, आई एम कमिंग फॉर यू बेबी, द एंड। ओ मैं तो डर गई, खतरनाक है स्पॉन है एकदम, डरा दिया रे। सामने की तरफ ये कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है, क्या मैं यहाँ से शूट कर सकता हूँ इन्हें, बट ड्रैगन मुझे आके उछाल ना दे यहाँ पर, जबरदस्ती के पंगे ले रहा हूँ मैं ड्रैगन से भी मतलब में। ओ आई थिंक आई कैन डू दिस, कमन कमन ये करते हैं। ओके फोड़ दिया भाई मैंने वो, उसके पीछे वाला भी रह गया एक, उसे भी फोड़ के देखते हैं। ओ यहीं पे आ गया ड्रैगन, नो 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 उसने देख लिया मुझे, गलती कर दी मैंने, देखो मैं बिल्कुल वन ब्लॉक पे बचा हूं, मैं मर जाता अभी। What? Oh no. भाई ड्रैगन बावड़ा हो गया, भागो भाई, ड्रैगन तो स्नैपिंग कर रहा है यहाँ पे, कहाँ मारा है उसने भाई वो, आ जा भाई कहाँ है, ज्यादा बोल रहा था तू, अरे बाप रे बहुत गंदी स्पॉन है ये तो, गड्ढे में गिर जाऊंगा मैं।
चुपचाप निकलो यहाँ पर। ये ऐसे करके वो टूट चुका है, ये कुछ ऐसे करके ड्रैगन ने मेरे ऊपर थूक दिया है। अरे क्या है भाई, चलो इसे भी तोड़ देते हैं, ये भी खत्म होने वाला है, एक शॉट और, लेट्स गो। एक वो रह गया है, वो भी होने वाला है, और ड्रैगन ने बचा लिया, उसे दिख भी नहीं रहा, उसने यार स्मोक कर दिया वहाँ पर। ओके वो भी टूट चुका है, बढ़िया। चलो ओ मिस हो गया, बच गया मैं। ओ ओ ओ ओ ओ हेलो, क्या कैंपिंग कर रहा है वहीं पे खड़े होके, क्या गंदा ड्रैगन है बे, चीप ड्रैगन है भाई, चीप हरकतें कर रहा है बहुत। लेट्स गो, इसे फेंकते हैं यहाँ पर और इसे करते हैं हम। ओ हेलो, लेट्स गो, बढ़िया। मेरा मुंह ही घुस गया था भाई इसके अंदर। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, इतना बस आ गए, ये फोड़ने का अपने को। हियर वी गो, फूट जा, फूट क्यों नहीं रहा ये। ओके एरो यूज़ करते हैं, लेट्स गो। ड्रैगन मेरे जस्ट नीचे है भाई, उड़ाने वाला है मुझे लग रहा है। एक वो वाला रह गया है, उसे और तोड़ देते हैं फटाफट से, होपफुली निशाना लग जाए अपना। ड्रैगन थूकना नहीं बस प्लीज़, एक शॉट और। ओह नो, थोड़ा सा मिस हो गया, मुझे मारे ना बस, ये मेरे जस्ट नीचे घूम रहा है वो। ओह नो, उसने खुद से थूका है। ओके वो टूट चुका है, बढ़िया, निकलते हैं फटाफट से, अभी सिर्फ एक रह गया है और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। जंप मारते हैं यहाँ से, हियर वी गो। एमएलजी फेल नहीं होगी, ओके होगी, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ। ड्रैगन को मारना इतने अच्छे आर्मर से बहुत ईजी हो जाता है। हियर वी गो, हाँ भाई ड्रैगन अब आ जाओ, इट्स नाउ 1v1, यू एंड मी ओनली। ड्रैगन पर्च करेगा तो मैं इसे मारने वाला हूँ। हो गया स्टार्ट ड्रैगन का पर्च करना। हियर वी गो, मैं अकेला नहीं हूँ ड्रैगन से लड़ने वाला, ये एंडरमैन भी है। बम टूट गया मेरा। Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओए, उड़ा दिया भाई उसने। ये शॉट ट्राइडेंट से मार दिया मैंने उसे। आ रहा है, यहीं आ रहा है। Here we go. ऐसे ही मारूंगा ड्रैगन को मैं। और उससे पहले हाथ पे टूट जाएंगे। कहाँ उड़ के जा रहा है, कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे आना ही नहीं आना है तेरे को। ओके नीचे आ रहा है ड्रैगन, अब ये पिटा। चलो भाई खाना खा के मार लगाएंगे इसकी। 1, 2, 3, 4 इसका हूं गायब हो गया है। 5, 6 ओ उड़ा दिया इसने मुझे। क्या कर रहे हो यार ड्रैगन, कम ऑन यार, इसे मत करो प्लीज, डाई क्विकली। कौन है बे तेरी, इससे बात हो रही है जबरदस्ती बीच में, ना कबाब में हड्डी ना बनो कम से कम, मरो यहाँ पे। हाँ भाई ड्रैगन कैसा, बढ़िया सब, मरने वाला है। हाँ मारा उसको मैंने एक और बार, वो बच गया। आई एम कमिंग बेबी, आने नहीं दूंगा नीचे इसको मैं। हेलो, नीचे से ही मार दिया मैंने उसे बेचारा, पर्च भी नहीं कर पाया, ट्राइडेंट से उड़ उड़ के मारा है उसे मैंने। ओह एक्सपी, ड्रैगन एग भी चाहिए अपने को, यस इससे भी हमें एडवांसमेंट मिलती है, एडवांसमेंट टू द आई थिंक या द नेक्स्ट जनरेशन। हियर वी गो, तो यहाँ पर आपकी एंड सिटी का फ्रेम खुल रखा होगा, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ खुला हुआ है। ओके वो रहा सामने की तरफ, मुझे बस वहाँ पे एंडर पल मारनी है, अंदर जाना है, एंड सिटी ढूंढनी है, उसे लूटना है, सल्कर लेके आना है और इलाइट्रा लेके आना है, बस दैट्स इट। एंड सिटी के अंदर ट्रिम भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर अपने को एक बार में ट्रिम मिल जाएगा ना तो बहुत लकी हो जाऊंगा मैं। यहाँ पर बिल्ड करते हैं, एक टाइप से स्टेयर बना लेता हूँ मैं, ताकि हाँ अगर मैं ऐसे गिरता हूँ तो दोबारा मुझे बिल्ड ना करना पड़े, इसीलिए। आ चुके हैं हम लोग एकदम टॉप पर, यहाँ पे मारते हैं अंडरपल। ओह कहाँ फेंका है इसने मुझे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत का काम है, मेरे को यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, और सच में बहुत गंदा स्पॉन है ये। ओह भाई खतरनाक है नीचे बहुत, गिरना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे थोड़े से मुझे ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, ताकि मुझे बाद में लौटे टाइम पे रास्ता याद रहे। स्पीड बिच की है मैंने, धक धक हो रही दिल में मेरे, अगली बार नहीं करूंगा बाई चांस, गिर गया तो मर जाऊंगा भाई। तमीज से बिल्ड करो, तमीज से, ज्यादा फ्लैक्स करने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्स बाजी में सब खत्म हो जाएगा। मेरी एक्सपीरियंस लेवल मुझे अभी नजर पड़ी, ये क्या नंबर है भाई, लेजेंडरी नंबर की एक्सपीरियंस लेवल है भाई ये। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मुझे स्विफ्ट सिंक लेके आनी चाहिए थी ना, ताकि ना मैं जल्दी जल्दी ब्रिज कर पाता। गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, इजी है स्पीड ब्रिज मेरे लिए, देखो
मैं बिना देखे स्पीड पुश करता हूँ आंख बंद करके। देखो ये हुई ना बात, फ्लैक्स बोलते हैं। आंख बंद करके स्पीड ब्रिज तभी हो पाता जब नीचे जमीन हो, नीचे वॉइड हो तो बेड लगता है। यहाँ पे मैं ब्रिज नहीं कर रहा, मैं ब्रिज बाद में करूंगा। उससे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, ट्राइडेंट का यूज करते हैं, कब यूज आएगा। कुछ ऐसे करके ये फेंकता हूँ। ओ वैसे ट्राइडेंट से भी आ गया था मैं, सही है। बस गलती से वॉइड में एंटर पल मार दूं मैं। ओके ओके लेट्स गो। अरे लेट्स गो बोला है, लेट्स टक नहीं बोला है। मिल चुकी है एंड सिटी। सबसे पहले वहां पे इलाइट्रा लेने जाएंगे हम बिना किसी देरी के। यहाँ से करते हैं बिल्ड, हेवी गो, फटाफट फटाफट स्पीड ब्रिज। ओ आ गए ना, कितना ऊपर जाना है और। हेलो कितना ऊपर और जाना पड़ेगा, आप आने वाले हैं बस। क्या ही बना दिया है मैंने ये, नीचे ना गिर जाऊं बस मैं, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे ग्राउंड नहीं है, अब नीचे वॉइड है। स्लोली स्लोली पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच गए। बस कोई मुझ पर अटैक ना करे। नहीं कर दिया उन लोगों ने मुझ पर अटैक। ओ नो नो नहीं। ओके लेट्स गो, पहुंच चुके हैं, बढ़िया। इसको मारते मुझे चाहिए। उड़ गया ये, लोल भाई कहाँ गायब हो गया है। ड्रैगन हेड भी चाहिए होगा अपने को, जो कि ये रहा सामने की तरफ। पानी डाल दूं ताकि मैं गिर ना जाऊं। ओके लेट्स गो, ड्रैगन हेड मिल चुका है, पानी कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ भाई सलकर कहाँ हो, आ जाओ। ये ले। यहाँ पे हमारा इलाइटर हमारा वेट कर रहा है बहुत सालों से। लेट्स गो, स्काई इज द लिमिट। यस कंप्लीट हो चुका है अपना एक और एडवांसमेंट। ओ मुझे अब याद आया इस स्पाई ग्लास से कि मुझे इससे ड्रैगन को देखना था, उससे एक एडवांसमेंट कंप्लीट होती है, इसीलिए तो मैं लेके आया था इसे। ओ नो भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ड्रैगन को मार दिया एक्साइटमेंट में और मैं इसे देखना ही भूल गया। डैम ब्रो नुकसान हो गया बहुत बड़ा, इसकी भरपाई कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं लाइटर मिल चुका, अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस जो एक चीज रह गई है, थोड़े से मुझे सल्कर इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि बाद में काम आए। ये लोग मार तो मान ही रहे हैं पर जबरदस्ती बस इन्होंने परेशान कर रखा है हवा में लटका लटका के मेरे को। अभी यहाँ पे मेरे पास 7 हो चुके हैं टोटल। ये रहे सरप्राइज, एक मिल गया बढ़िया, 8 हो चुके हैं, तू भी दे दे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 सर्कल हो चुके हैं, आई थिंक इससे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फटाफट ऐसे निकल रहे हैं। और साथ साथ में अभी मुझे ट्रिम नहीं मिला है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक ट्रिम भी चाहिए एंशिएंट सिटी का, आई मीन एंड सिटी का। यहाँ पे मुझे बस ट्रिम और चाहिए और अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी एंड सिटी छान मारी और इसके अंदर कोई भी चेस्ट नहीं है जिसमें मुझे ट्रिम मिल सके, तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। और हम लोग ना फिर कभी ढूंढ लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इलाइटर आ चुका है, तो हमें और एंड सिटी ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस बाली में अपने को ट्रिम नहीं मिला है, यहाँ से फटाफट अब निकल रहे हैं। सामने को ग्रास बॉक्स लगा के आया हूँ मैं, अच्छी बात है, यहाँ से दिख रहा है मुझे, यहाँ से मारते हैं ऐसे करके। ओ भाई वर्ल्ड में जा रहा हूँ मैं। हेलो ओह कहाँ हूँ मैं, हेलो ओह बच गया, मुझे लगा मैं वर्ल्ड में घुस गया हूँ। हियर वी गो, सीधे अंदर लेट्स गो। यहाँ पर हमारा माइनक्राफ्ट ऑफिशियली खत्म हो गया है। एक्चुअली ये खत्म नहीं हुआ है, सच में एंडलेस गेम है। हियर वी गो, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे घर की तरफ। अच्छी बात है उस पोर्टल ने हमें सीधे हमारे बेड पे टेलीपोर्ट किया। अभी अपने को बस एक काम करना है, फटाफट जाना है, स्ट्रीम को लगाना है और दैट्स इट। उससे पहले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रा लाए हैं तो थोड़ा बहुत यूज करना तो बनता है ना। उससे पहले थोड़ा सा मुझे गन पाउडर चाहिए होगा। लेट्स गो, यहाँ पे मैं गन पाउडर मिल जाएगा हमारे फार्म से, इसीलिए तो बनाया है मैंने गन पाउडर फार्म। और क्यों बनाया है, क्या ये काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, काफी सारा गन पाउडर है यहाँ पे, इतना ही चाहिए होगा अपने को बस। यहाँ पे गन पाउडर हमने ले लिया है और अब टाइम है थोड़ा सा हमें पेपर लेने का। यहाँ पे हमें पेपर मिल जाएगा, तो लेट्स गो भाई, यहाँ पे हमारी इन्वेंटरी क्लियर हो चुकी है। अब सीधे चलते हैं कासल में, फटाफट से लगाते हैं इसको। और कैसा चल रहा है भाई, जिंदगी बढ़िया है एकदम। इन लोगों को मैंने यहाँ पे स्पॉन कर दिया था ताकि ये एकदम विंटर वाली फील दे अपने को। काफी सारे डिस्पॉन हो गए, सिर्फ यही रह गया, पता नहीं क्यों। शायद ये लोग दिन में जो धूप पड़ती है ना उससे पिघल जाते हैं और वो शायद अंदर रहता होगा इसलिए वो पिघला नहीं। यहाँ पे मारते हैं पर, ये भी गो, होपफुली अंदर गिरूं मैं। 1 2 3 टीपी टीपी। ओह हाय गोलम, व्हाट्स अप। चलो भाई नीचे आ चुके हैं बढ़िया करके। अपने को थोड़े से नेदरराइट अपग्रेड्स ही होंगे और वो अपने को मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास आई आर्मर टेम 4 है ही है, उसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। वापस सुन चाहिए होगा क्या इसके लिए मेरे को, नेदरराइट अपग्रेड। ओके एक नेदरराइट चाहिए होगा मेरे को, मैं नेदरराइट लाना भूल गया।
तो मुझे बस 2 मिनट दो, मैं फटाफट से ना नेदरक लेके आता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ सच में। यहाँ से फेंकते हैं ट्रिपल, होपफुली सही जाए। हियर वी गो। एक बार लाइटर आ जाएगा ना ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सच में मैं बहुत भूलता हूँ चीज़ों को। पहुँच चुके हैं, नेदरैक यहाँ मिल जाएगा अपने को। सच में मैं नेदरैक छोड़ के आ रखा हूँ। नेदरैक यहाँ पर मैं इकट्ठा इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 बना लिया है, यहाँ पे 3 मैं बाद में यूज करूंगा और 4 मुझे इस वाले आर्मर के लिए यूज करने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ थोड़े से मुझे एमरल्स चाहिए होंगे ताकि जिसमें मैंडिंग और अनब्रेकिंग बाई कर पाऊँ अपने लाइटर के लिए। एमरल्स मेरे रखे हुए यहाँ पर, मुझे चाहिए होंगे थोड़े से एमरल्स। सफिशियंट एमरल है मेरे पास यहाँ पर। हाँ ये रहे एमरल्स और दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। चलो भाई फटाफट चलते हैं कासल के अंदर। एंड अब आई थिंक मैंने सारी की सारी चीजें रख ली है, तो फटाफट चलते हैं कासल के अंदर। अपना कलेक्शन टोटल 7 आर्मर का हो चुका है और ये वाला आर्मर हमारा 8th आर्मर होगा। सच में भाई ये बहुत ज्यादा ओपी हो चुका है। बहुत टाइम हो गया हमने हमारी मेन एंट्रेंस यूज नहीं करी है, तो उसे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं सीधे अपनी मेन एंट्रेंस से, क्योंकि मेरे पास एंट्रेंस भी खत्म हो चुकी है सच बताऊं तो मुझे ये यूज करनी पड़ेगी। हियर गो, गेट खोलो। अरे हमारा मालिक आया है भाई घर के अंदर, कैसे तुम गेट बंद कर रहे हो? नौकरी से निकाल दूंगा बता रहा हूँ मैं, ग्रेवयार्ड से बात कर रहा हूँ मैं सच में। ओके हियर वी गो, लेट्स गो। हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे फटाफट से कन्वर्ट करते हैं अपने आर्मर को नेदरराइट अपग्रेड के अंदर। नेदरराइट इंगट यहाँ पे 3 है और मुझे यहाँ पे एक और चाहिए था, तो मुझे फिर जाना पड़ेगा। पर अब एक सेकंड रुको, अब बहुत हो गया। अब मैं इलाइट्रा बनाने वाला हूँ। मेरा दिमाग मेरा यहाँ पे 7 दिन बंद कर चुका है। अब मुझे चाहिए इलाइट्रा, मुझे नहीं पता, मुझे इलाइट्रा चाहिए बस। बनाओ इलाइट्रा, कंप्लीट करो। अनब्रेकिंग ट्री बहुत बढ़िया मिल चुकी है, बाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंडिंग मिल चुकी है, बाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीज रख देता हूँ। यहाँ पे बनाते हैं रॉकेट्स। हियर वी गो, बहुत सारे रॉकेट्स हो चुके हैं, 63 सफिशिएंट रॉकेट्स हैं। एनविल एनविल एनविल, ये रहा है एनविल, बढ़िया करके से लगा देते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे हमारे लाइटर में लगने वाले हैं अनब्रेकिंग एंड मैंडिंग, और इसको मैं नाम देने वाला हूँ रेड बुल, बिकॉज रेड बुल गिव यू विंग्स। चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एकदम मस्त करके, फ्लाई करके। ओ भाई हमारा वर्ल्ड ऊपर से कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है यार सच में। और मैं यहाँ पे घर पे पहुंच भी चुका हूँ बातों बातों में। क्या मैं सीधे अंदर जा सकता हूँ? खोपड़ी बैठ गई मेरी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाते हैं फटाफट से इनको स्मेल करने के लिए। 17 यहाँ डालते हैं एंड यहाँ पे 17 डालते हैं। एंड यहाँ पे रॉकेट की जरूरत भी नहीं है, पता है मैंने रॉकेट बना तो लिए है। हमारा काम यहाँ पे टाइटन से भी हो जाएगा। ये देखो मास्क करके उड़ रहे हैं हम। यहाँ पे पहुँच जाएंगे क्या? शायद नहीं पहुँच पाएंगे, या शायद पहुँच जाएंगे। पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। नहीं नहीं यूज करने पड़े रॉकेट्स। वाओ एकदम परफेक्ट लैंडिंग, ये गो क्या बात। चलो भाई फटाफट लगाते हैं इसको। इसको पहले करते हैं अपग्रेड नेदरराइट अपग्रेड से, उसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं हमारा आई ट्रिम ऐसे करके कॉपर की शेडिंग के साथ। काफी ऑरेंजेस लुक आ रहा है। ओके ये लो भाई, हमने लगा लिया अपना एक और आर्मर और ये काफी ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है वैसे कॉपर भी। तो यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं टोटल आर्मर 1 2 3 4 5 6 7 एंड जो मैं पहना हुआ हूँ, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 आर्मर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे ये ड्रैगन हेड, ये तुम्हें ग्लव्स लग रहा होगा पर ये ग्लव्स नहीं है, ये हेलमेट है। ये मेरा मुंह हो चुका है ड्रैगन का। ओके लेट्स गो, ये तो मस्त लग रहा है। और साथ साथ यहाँ पे पहनने वाला हूँ विंग्स। यहाँ पे अपन ने रेड बुल भी पी लिए। हियर वी गो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक मार देना। और फाइनली जाकर के हम लोग इलाइट्रा लेके आ चुके हैं। एंड तुम्हें अगर और देखना है क्या करने वाला हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वो बिल्कुल फ्री है। तो तब तक के तुम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वो बस मरना नहीं है।